Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. कोरोना से हो रही मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कोई दे सकता है? आम जनता है या फिर प्रशासन? कौन है आखिर जिम्मेदार? एक साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर भारत सरकार कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड इंजेक्शन तक मुहैया नहीं करा पा रही है. यहाँ तक कि लाश ले जाने के लिए एक अच्छा एम्बुलेंस नहीं मिल रही है. मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें देख ले. लाश अस्पताल से ले जाते वक्त ये लाश एम्बुलेंस से बाहर रोड पर गिर जाती है. जरा एम्बुलेंस की खिड़की देख लें कि कांच भी टूटा हुआ है, और इसी एम्बुलेंस में कोरोना से हुई मौतों के शव लेकर ये एम्बुलेंस से जाया जाता है. पूरा देश पूछ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों है? इस आत्मनिर्भर भारत में कोरोना के इंजेक्शन की कमी क्यों है? इस आत्मनिर्भर भारत में अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? आखिर कोरोना से जीतने के लिए सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? सरकार को इंजेक्शन बेड ऑक्सीजन कोरोना से बेहतर इलाज का उपाय करना चाहिए, मगर वो भी नहीं कर पाती. लोगों से थाली और ताली पिछले साल खूब बजवाया, मगर थाली और ताली बजाने का कोई मतलब निकला? कुछ नहीं. जब देश में कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तब ये नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे नेता को हराया जाए. इन नेताओं में जरा भी इंसानियत नहीं बची कि जरा इस पर भी सोच लिया जाए, कि कुछ काम कर लिया जाए कि आखिर भारत में कोरोना को कैसे हराया जाएगा. मगर नहीं, इन नेताओं को तो कुर्सी की लालच पड़ी हुई है. यहाँ पूरा देश कोरोना से त्राही त्राही करने लगा. शमशान में लकड़ियाँ कम पड़ गई तो कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ गई. अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करे तो कैसे करे, जब प्रशासन से ही ऑक्सीजन इंजेक्शन बेड मुहैया नहीं करा पा रही है. यानी कि प्रशासन पूरी तरह से फेल होती नजर आई है. हर राज्य के नेता एक दूसरे पर ठिकड़ा फोड़ रहे हैं कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन नहीं आने दिया जा रहा है, और इंजेक्शन तो मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन की कालाबाजारी खूब हो रही है. मगर आम इंसान की जिंदगी आज ऐसा लगता है कि इस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है. कोरोना मरीज कहीं बीच सड़क पर पड़ा हुआ है तो कोई ऑक्सीजन न होने से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है. यही हमारे आत्मनिर्भर भारत की तस्वीरें हैं. और शायद आत्मनिर्भर भारत इसलिए कहा गया है कि आप अपना अपना खुद देख लीजिए. पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ. आप पेशेंट छे शारदा बेन हॉस्पिटल नी बाहर. हाँ, एमनी मम्मी छे, एमनी मदर छे, एमनी जोड़े बधा रिपोर्ट छे, पण शारदा बेन मां अंदर एंट्री मरती नहीं. त्यांथी एवं कहे छे के गाइडलाइन में एवं छे के 108 हशे तो पेशेंट अंदर जशे. त्या सुधी पेशेंट मरी जाए रोड पर, पण अमने कई फरक नहीं पड़तो. अहियाना स्टाफ अने शारदा बेन ना बाउंसरो आवी वात करे छे. तो हवे आत्मनिर्भर आ तमे जोई रिया छो अत्यारे.